इस बीच को डेडली बीच के नाम से भी जाना जाता है सर तो राहुल भाई का तो कट गया यहाँ पर इवन इंडिया पाकिस्तान भी बहुत अच्छे से रहते हैं बट या वी स्टार्टेड फ्रॉम टोरंटो एंड देन वी वेंट टू न्यूयॉर्क एंड देन रोड ऑल द ट्रेलर की वजह से आज कुछ ज्यादा ही तेल पी रही है ये सर इस तरीके के टैंक लेकर आए थे अमेरिकन सोल्जर्स गुड मॉर्निंग दोस्तों एक नया दिन नई शुरुआत आज है 11 अगस्त और फाइनली हम सॉयजों के एंशियट शहर से निकल के जा रहे हैं नॉर्मेडी की तरफ नॉर्मेडी एक बहुत ज़्यादा हिस्टोरिक शहर है वैसे पूरा फ्रांस ही हिस्टोरिक है यार बिकॉज वहाँ पर बेसिकली डी डे लैंडिंग हुई थी वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए और आपको मिलेंगे हम आगे की तरफ यहाँ पर पैकिंग करनी बहुत जरूरी है यार इसकी क्योंकि अब है मेन टास्क क्योंकि पैकअप करना सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे डिफिकल्ट टास्क है तो भाई के हाथ में दिया है ये कमान अब इसको फोल्ड करेंगे साइकिल ऊपर रख के स्क्रैच हो गई थी पूरी पूरी तो अब साइकिल नीचे रखेंगे और इसके अंदर लेकर जाएंगे साइकिल को राधर देन ऑन द टॉप अब यार यहाँ से निकल के वहाँ पर जाने का बेसिकली मोटिव क्या है वहाँ पे एतरेज करके एक जगह है जहाँ पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी क्लिफ है और मेरे भाई को करनी है क्लिफ जंपिंग मैं बोला कि यार बहुत ऊँची दैट ओ आई एम अ डेयर डेवल तो लेट्स सी ही इज अ डेयर डेवल और नॉट यार ये लोग जितना पैकअप करेंगे इतने में मैं जाता हूँ लॉन्ड्री की तरफ लॉन्ड्री हमने करी थी यहाँ पर सात ही रोज देखे वॉश एंड ड्राई दोनों मिक्स है तो वहां से कपड़े लेकर आते हैं और निकलते हैं रोड की तरफ और यार मेरे हिसाब से धुल चुके होंगे हाँ जी धुल चुके हैं कपड़े अब इनको पैक करेंगे और ले मैंने कपड़े सारे फोल्ड कर लिए हैं अब जाऊंगा भाइयों की तरफ देखते हैं उन्होंने कैंप ग्राउंड फोल्ड कराया कि नहीं फिर यहाँ से आगे की तरफ टाउन थोड़ा घूमते हुए थोड़ा सा हल्का सा लाइट सा ब्रेकफास्ट करेंगे और निकलेंगे आगे नॉर्मैलि की तरफ एज एक्सपेक्टेड मेरे भाईयों ने फुल पावर पैकिंग कर दी है और अब हम भी ले आए हैं कपड़े चलते हैं भाई साहब आगे की तरफ पेर so पैकअप हो चुका है सारी चीजें डन है भाई कहते हैं कैंपिंग साइट को और चलते हैं आगे की तरफ क्योंकि शहर बहुत बढ़िया और एक छोटा सा ब्रेकफास्ट करने का विचार है यू नो फ्रेंच ब्रेकफास्ट या तो टोस्ट या फिर वही अपना क्रॉसो एन ऑल सो लेट्स गो इस शहर की original establishment आज तक किसी को नहीं पता यहाँ पे कुछ ऐसी ऐसी इमारतें भी हैं जो हजार से दो हजार साल पुरानी और कुछ ऐसी हैं जो कि सौ से दो सौ साल पुरानी है यहाँ की जो दो मेजर अट्रैक्शन है वो है एबी ऑफ सेंट जॉन्स और एक है सोइजो कैथीड्रल अब इस शहर को करते हैं अलविदा और अब आगे बढ़ते हैं लग रही है ना अंदर जाते हैं कॉफी ऑफी लेते हैं थोड़ी सी कुछ अपनी मॉर्निंग गुड हो मॉन्जूर का मतलब होता भी गुड मॉर्निंग तेल भरा के निकल ले आगे की तरफ और मैंने लिए भाई अपने लिए भाई अपना फ़ोन पे लगा था तो उसके लिए मैं लाया बाबा जी का टुल्लू <laughs> और यार कॉफी के हम बहुत दीवाने थे हम लोग ट्रिनिटी द्वारका से पढ़े हुए हैं तो आई कॉलेज है उसके जस्ट पीछे अपना सीसीडी है सेक्टर दस वाला वहाँ यार डेली सुबह की और शाम की एक कॉफी हुआ करती थी और मजा नहीं लाइफ थे गुड गाइस हमारा आधा रास्ता तो खत्म हो चुका है आधा रास्ता और बाकी है जहाँ हम जा रहे हैं नॉरमंडी और एथरक ये दोनों की दोनों बहुत ही ज्यादा खूबसूरत जगहें हैं तो यहाँ ये ट्रक स्टॉप जैसे अपने कनाडा में होते हैं वैसे यहाँ पर ट्रक स्टॉप्स हैं आप आराम से अपनी गाड़ी पार्क करो गाड़ी पार्क करने के बाद इफ़ अ नैप यहाँ पर सो भी सकते हो तो अंदर चलते हैं यहाँ पर कुछ खाना पीना खाते हैं बाकी रस्ते बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हैं यहाँ के हालांकि मतलब टोल और ये सब चीज़ें तो हैं ही अपनी टोल भी मतलब काफ़ी ज्यादा काफ़ी सारे टोल टैक्स आ जाते हैं जब भी हम रोड पे निकलते हैं फ्रांस के टोल देने पर जाते हैं एंड ऑल्सो uh, हम अभी थोड़े दिन पहले ही उससे मिले यार अपने नोमैडिक इंजीनियर से अभिषेक से भाई अभिषेक लड़का बहुत बढ़िया है मज़ा आया भाई उसके साथ घूमने फिरने में फ्रांस घूमे ऊपर तक गए आईफिल टॉर के सो इट वॉज ग्रेट फन बढ़िया लगा Uh, यहाँ पे इस तरीके की फैसिलिटीज अवेलेबल होती है यहाँ पे अपने जो uh, ट्रक स्टॉप हैूम है चेंजिंग टेबल्स हैं शार्स हैं कैफेट नो वॉट दिस कार्ड मीन्स वाई फाई हेल्थ एंड बेंच है राहुल भाई का तो कट गया यहाँ पर अच्छी तरीके से कॉफी मिल रही थी कि आप यहाँ पर कॉफी बना सकते हो अपना जैसा भी आपको मेन्यू चूज करना है वैसे ही आप कॉफी लो जैसे आपको अगर नॉर्मल कॉफ़ी पीनी है इसको इंग्लिश में भी कन्वर्ट कर सकते हैं पहली बात तो हाँ कि कॉफ़ी है गॉर्मे ड्रिंक्स है हॉट चॉकलेट्स है जो भी आपको पीनी है यहाँ पे इस तरीके से आप बना सकते हैं अपनी एंड देन देनी गोल्ड यहाँ से कुछ देखते हैं अगर खाने पीने का वैसे पूरे पूरे फ्रांस में ऐसा ही खाना मिलता है यही सब खाना पड़ेगा भाई इस जगह को करते हैं अब यहां से बढ़ते सीधा और नॉलमंडी से पहले ब्रेक नहीं मारेंगे अब राहुल भाई चलाएंगे गाड़ी और हम बैठेंगे साइड में आराम से बढ़िया बढ़िया गाने लगाएंगे और इस ट्रिप को बनाते और भी ज्यादा आर ऑलमोस्ट देयर साढ़े चार किलोमीटर रह गए हैं ओमाहा बीच जो हमारा मेमोरियल है जहाँ पर फर्स्ट जो लैंडिंग हुई थी जहाँ पर द डी डे करके जब हिटलर का टाइम था जब, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रही थी उस टाइम के बीच में यहाँ पर पूरे के पूरे जो अपने यू ब्रिटेन कनाडा और फ्रेंच जो फ्रांस इन सारे ट्रूप्स ने यहाँ पर इन्वेड करा था जिस टाइम पे हिटलर का बहुत ही ज़्यादा मतलब एक डोमिनेंसी थी इस जगह पर नॉर्मंडी में एक उमा बीच है जहाँ पर इस समय हम है एंड ये बीच की जो सिग्निफिकेंस है बहुत ही ज्यादा वैल्यूबल है हमारी वर्ल्ड वॉर टू और पूरी की पूरी हिस्ट्री के अंदर यही यही वो जगह है जहाँ पर 6 जून 1944 में हमारी जो ट्रूप्स है फोर्सेस जो यहाँ पर आई थी उनकी पूरी की पूरी लैंडिंग हुई थी और जहाँ पे इस बीच को डेडली बीच के नाम से भी जाना जाता है चलिए आपको बताते हैं डेडली बीच क्यों बोलते हैं 6 जून 1944 एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट है हमारी हिस्ट्री की बट मैं आपको उससे एक दिन पहले के इंसिडेंट बता तो जो एयर फोर्सेस थी उनका टारगेट था कि यहाँ पर पहले सारी की सारी जो यहाँ पे हिटलर की जो फोर्सेस लगी हुई थी उनको पूरा का पूरा ख़त्म कर देने का और फिर वहाँ से लैंडिंग शुरू करके हमारे जो ट्रूप्स हैं उनको यहाँ पर लेकर आना बट वो हुआ हो नहीं पाया उसी दौरान नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब यहाँ पे लैंडिंग हुई जब यहाँ पे ट्रूप्स आए ट्रूप्स आने के बाद उनका मतलब उनको वो एक्सपेक्ट नहीं था जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे एंड इट वाज अ डेवेस्ट्रेटिक मोमेंट कि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर हत्याएं हुई हैं मतलब जो भी कुछ आप बोलोगे इस समय ये बीच को देख बिल्कुल नहीं बता सकते कि यहाँ पर उस समय का दृश्य कैसा था बट हाँ एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा हैड्स ऑफ टू ऑल द सोल्जर्स जो भी यहाँ पर थे जिन्होंने

जिनमें से 2400 सौ सोल्जर्स ने अपनी जान गँ ऐसे पता नहीं कितने ही ज़्यादा अंगिनत सोल्जर थे जो मार्टेर हुए शहीद हुए और उनकी मेमोरी में वहाँ देखिए आप उनकी मेमोरी में यहाँ पर मेमोरियल बना रखा है जिसपे हम थोड़ी सी देर में जाएंगे और यहाँ पर बहुत सारे फ्लैग्स हैं बाकी आदमी प्री स्ट्रीट हुआ यू कैन ऑल्सो सी द जर्मन फ्लैग बिकॉज देन द पीस वॉज साइंड हिटलर वॉज थ्रोन अवे और फिर बाद में वर्ल्ड पीस क्रिएट हुआ ओमाहा बीच इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेडलियस बीच इसका नाम इसलिए पड़ा बिकॉज 2400 यूएस हंड्रेड सोल्जर्स ने यहाँ पर अपनी जान गंवाई ताकि वर्ल्ड पीस वो अटेन कर सके और ये उनके लिए एक मॉन्यूमेंट बनाया गया यहाँ पर जब प्री पीस ट्रीटी साइन हुआ तो देन द दे फ्लैग्स वर रोज और यहाँ पर बताया गया कि भाई द वर्ल्ड वुड बी अ बेटर प्लेस विदाउट हिटलर बिकॉज ही वॉज उसको फर्क नहीं पड़ा कि उसको पता था कि वो ऑलरेडी ही वॉज फाइटिंग लूजिंग बैटल वेन द एलाइड दे सील्ड द डील एंड इट वॉज कॉन्क्रीट कि अब दे विल बी विनिंग द बैटल एंड ही वॉज रनिंग अवे एंड रनिंग आउट ऑफ ऑप्शन गाइज दिस इज अ मोन्यूमेंट क्रिएटेड इन द मेमरीज ऑफ यू एस सोल्जर्स और जो अपनी एलाइड फोर्सेज थी वो सब जो आए सो सी इट्स रिटन फर्स्ट यू एस इंफेंट्री डिवीजन एंड ये कब हुआ था एट द डॉन ऑफ सिक्स जून तब वो लोग एंटर हुए थे यहाँ पे 1944 में एंड मी बीइंग पर्सनली फ्रॉम एन आर्मी बैकग्राउंड मेरे फादर आर्मी ऑफिसर थे एंड वो कारगिल की बैटल में भी थे एंड हमें नहीं पता चलता यार बीइंग अ सिविलियन बीइंग अ पर्सन जिनको नहीं फ़र्क पड़ता या फिर नहीं पता चलता कि दुनिया में हो क्या है बिकॉज द आर्मीज एवरीवेयर इन द वर्ल्ड कीप द प्लेस सेफ आपकी कंट्री को सेफ रखती है आप किसी भी इर किसी भी कंट्री में हो मेरे डैड हमेशा से ही कहते थे कि हर आर्मी हर बंदा अलग अलग तरीके से सोचता है एंड दे आर फ्रेंड्स इवन इंडिया पाकिस्तान भी बहुत अच्छे से रहते हैं बट दे आर डूइंग देयर ड्यूटीज व्हेन दे आर फाइटिंग तो हम लोगों को पता चलता है बैकग्राउंड जो उनकी फैमिलीज होती हैं कि वी आर वेटिंग फॉर दैट कॉल कि दैट कॉल करेंगे कि नहीं विल ही बी अ लाइव और नॉट सो दैट डे अ लॉट ऑफ सोल्जर्स लॉस देयर लाइफ बट ए ग्रेटर चीज़ उनको मिली दैट दे कुड अटेन द वर्ल्ड पीस विच वॉज रेंडर्ड यूजलेस बाय हिटलर तो यार वैसे देखा जाए तो हिस्ट्री काफी ही ज्यादा बोरिंग सब्जेक्ट था भाई मैं पर्सनली अपनी बात बताऊं तो मैंने हिस्ट्री को कभी भी इतनी ध्यान से कभी इतनी तरीके से सीखा नहीं कभी इतनी तरीके से पढ़ा नहीं अपने स्कूल टाइम में कॉलेज टाइम में बट टू बी वेरी फ्रैंक यार हिस्ट्री हर सौ साल में बदलती है तो ये सौ साल पुरानी हिस्ट्री हमारे को शायद इतनी रेलेवेंस ना दे जितनी रेलिवेंसी उन लोगों को दे रही होगी जिस टाइम पे ये चीज़ें उनके साथ बीत रही होंगी अब जब हम यहाँ पर आएँ अब जब हम यहाँ पर आके लोगों की कहानियाँ सुनते हैं लोगों से बात करते हैं उनके बारे में सुनते हैं पूछते हैं तब जाके पता चलता है कि हाउ मच रेलिवेंट हाउ मच कि ये जितने भी इंसिडेंट हुए थे ये यार किस तरीके से लोगों की ज़िंदगी को चेंज करा है इन सारे इंसिडेंट्स ने तो अब यहीं पर ही पीछे ना उमाहा बीच का एक मेमोरियल है इसके बाद हम चलते हैं उमाहा बीच के मेमोरियल पे एंड वहाँ से आपको दिखाते हैं जो आर्टिफैक्ट्स जो टैंक्स और वो सब चीज़ें वहाँ पर थी चलिए बाकी टाउन देख रहा टाउन कितना सुंदर है वहाँ पर वो होटल है डी डे हाउस होटल तो जो इवेंट था उसका नाम डी डे रखा हुआ था सर इस तरीके के टैंक लेकर आए थे अमेरिकन सोल्जर्स एक्सेस पावर्स को हराने के लिए और वो लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जद्दोजहद के बाद उन्होंने काफ़ी मेहनत करी काफ़ी दिन ये वॉर चली एंड दे फाइनली टर्न्ड इट ओवर एंड जीत कर उन्होंने वर्ल्ड पीस हासिल करी और ये है उनका मेमोरियल जिसमें हम अभी जा रहे हैं तो जैसे ही हम अंदर घुसे उन लोगों ने हमारे को बोल दिया कि यहाँ पे रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है तो हम उस चीज को रिकॉर्ड नहीं कर पाए बट हम अपनी आंखों में उस चीज को रिकॉर्ड कर पाए हैं जैसे ही हमने एंटर कराना म्यूजियम के अंदर ऐसा लगा कि वर्ल्ड वॉर टू में ही आ गए हैं बहुत ही ज़्यादा आर्टिफैक्ट्स थे गन्स थी वहाँ बड़ी गन्स थी जीप्स एंड एवरीथिंग टैंक वगैरह सब चीज़ अंदर रखी हुई है इवन सोल्जर्स की जो जर्सीज हैं वो भी वहाँ पर अंदर प्रिजर्व करके इन लोगों ने रखी हुई हैं एंड रियली गाइस मतलब ये सोच सोच के मेरे को ऐसा लगता है कि भाई इन लोगों ने कितने सारे सैक्रफाइस करे होंगे एक अच्छे एनवायरमेंट एक अच्छा वर्ल्ड बनाने के लिए एंड वी आर नॉट सो ग्रेटफुल टू वर्ल्ड्स देम की उन लोगों के सैक्रीफाइजेस की वजह से हम आज यहाँ पर आराम से फ्रीली घूम पा रहे हैं तो इस चीज़ को ध्यान में लेते हुए अपने आप को थोड़ा सा ग्रेटफुल बनाओ अपने आप को थोड़ा सा इन लोगों के टूवर्ड्स थोड़ा सा ग्रेटफुल रहो यार जो भी हमारे आदमी पर्सनल्स हैं ना हैट सॉफ्ट टू देम जहाँ पर भी हो जहाँ पर भी हो अपना सेफ रहो और लड़ाई वड़ाई थोड़ी सी कम रहे इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात हो जाएगी तो अब यहाँ से बढ़ते हैं आगे हमारी चेक लिस्ट से कनाडा टू इंडिया रोड ट्रिप की चेक लिस्ट से एक और जो जगह है वो हमने कवर कर ली है अब यहाँ से चलते हैं आगे और अब आप लोगों को अगले किसी देश से अगली किसी जगह से रिपोर्ट करते हैं हम हैं रूसे राही अब आगे मिलते हैं तो यार हिस्ट्री लेसन को करते हैं थोड़ा सा खत्म और अपनी ट्रिप के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं तो बेसिकली अभी हम फ्रांस के नॉर्दर्न फ्रांस में हैं और नॉर्दर्न फ्रांस से हमारे को पहले विचार बन रहा था नीचे स्पेन जाने का टोमाटिनो के लिए बट टोमाटिनो जो फेस्टिवल है वो है हमारा ऑगस्ट तीस के अराउंड

Yeah. Now we are just exploring the 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 France and and history of the World War and everything. Yeah, yeah. So supposed right? to be here, here. not yeah. Oh, yeah. <laughs> चलो यार अब इस जगह को करते हैं अलविदा और यहाँ से निकलते हैं सीधा अपनी अगली डेस्टिनेशन पे तो यार आज तो गाड़ी बिल्कुल ही मतलब ऐसे हो रही है हाथी की तरह हो रही है पिए जा रही है पिए जा रही है पिए जा रही है तेल इसका वो एयर प्रेशर चेक करना पड़ेगा ट्रेलर की वजह से आज कुछ ज्यादा ही तेल पी रही है ये। तो और सुबह से कुछ खाया नहीं था तो ले तो सैंडविच ले लिया एक बिस्किट का पैकेट ले लिया ये लोग बहुत ही ज्यादा अनिव है इनको समझ में नहीं आता पहली बात तो लेना क्या है तो भाई ड्राइवर हो गए फिर दोबारा चेंज मतलब दो या तीन ड्राइवर होने का ये बहुत बड़ा फायदा है कि आपको थकान नहीं फील होती आप धीरे धीरे अपने ड्राइवर चेंज करे जाओ और सफर अपना पूरा करे जाओ तो यार एक डेढ़ घंटे का और रास्ता बच गया फिर सीधा पहुंचते हैं एत्रताज जो कि बहुत ही ज्यादा सीनिक ब्यूटी है यहाँ पर मज़ा आ जाएगा मजा आ जाएगा आई एम टेलिंग यू आज के दिन का ये है सातवा टोल एंड पता नहीं कितने का हुआ यू पाँच छः यूरो का टोल चले जा रहा है इधर से उधर बाकी अगर मैं एवरेज की बात करूँ कि काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे कि भाई एवरेज का बता दो एक बारी एवरेज कितनी दे रही है गाड़ी तो गाड़ी इस समय दे रही है भाई बारह पॉइंट सात की एवरेज पर सौ किलोमीटर के हिसाब से अगर मैं विदाउट ट्रेलर इस गाड़ी को जब चलाता था तो दस साढ़े दस की मेरे को एवरेज देती थी ऑन अ गुड डे भाई नौ दस से नीचे भी दे दिया करती थी तो अगर देखा जाए तो मोटा मोटी हम अप्रॉक्सीमेटली चार यूरो चार यूरो महंगा चल रहे हैं बट ट्रेलर के साथ बट भाई ट्रेलर की अगर एक बात करूँ तो उसी उसी समय हम दो यूरो बचा भी तो पा रहे हैं ना क्योंकि होटल अब हमारे को चाहिए नहीं भाई सबसे सस्ता टोल आज का दो यूरो तीस सेंट का

सो गाइस फाइनली पहुंच गए हैं इसका नाम है क्लिफ़ ऑफ अवेल ये अपने अतर में पड़ता है ये बेसिकली जो हमारा कलैस करके जो जहाँ से हमारी एंट्री हुई थी पोर्ट वहाँ से है मुझको काफ़ी डर लग रहा था कि भाई यहाँ पे सन सनसेट हो जाएगा बारिश का तो सी बात है हमारे को पता ही था कि बारिश होनी होनी है तो बारिश हो भी दिया हमने रेन कोट वगैरह पहन लिए एंड ये है भाई क्लिफ़ ऑफ अवैल आप लोगों को दिख ही रहा होगा बहुत ही ज़्यादा सुंदर जगह है यहीं पास में हमारे को मिल गई है काफ़ी सारी कैंपिंग साइट्स तो यहीं पर ही हम अपना कैंप लगा के एंड कल सुबह दोबारा से यहाँ पर आएंगे सो दैट वी कैन कैप्चर दिस मोर ब्यूटीफुल साइट और ड्रोन जैसा आपको दिख रहा है कि बारिश हो रही तो ड्रोन वगैरह हम उड़ा नहीं पाएंगे तो भाई इस वाले ब्लॉग को हम यहीं पर ही रोकते हैं यहीं पर ही इसको खत्म करते हैं एंड कल हम यहाँ से क्लिप ऑफ अवेल यहाँ सुबह सुबह पूरा का पूरा, पूरा टाउन घूमेंगे टाउन घूमने के बाद फिर यहाँ से निकलेंगे सीधा बेल्जियम की तरफ और वो हमारी दूसरी कंट्री होगी इन यूरोप So see you guys. Take care. Bye-bye.